तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नितेश शर्मा व्लॉग्स। तो वक्त हो चुके हैं यार 9:40 रात के, और आप सभी सोच रहे होंगे कि यार रात को व्लॉग शुरू करने का क्या मतलब है और रात को मैं व्लॉग क्यों शूट कर रहा हूँ। लेकिन एक्चुअली में जो बात है, एक प्रॉब्लम हो गई है, वो ये है कि मैंने व्लॉग पूरा आज दिन में शूट कर लिया था। सुबह मॉर्निंग में मैं उठा था और उसके बाद मैंने व्लॉग शूट किया। नहा धो के तैयार होके मैं राइड के लिए निकला था, एक डेस्टिनेशन थी जहाँ पर मुझे जाना था, और मैंने कंप्लीट व्लॉग शूट कर लिया, सब कुछ कर लिया। और रात को जब मैं अभी एडिटिंग करने के लिए बैठा तो मैंने क्या देखा कि यार वो जितनी भी वीडियो थी, कुछ फाइल करप्ट हो गई है, कुछ फाइलों की ऑडियो मिस है, वीडियो कहीं चल रही है, ऑडियो कहीं चल रही है, तो ऑडियो वीडियो में दोनों में प्रॉब्लम है। तो इसी के साथ साथ ये मेरे को एडिटिंग करने में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आई है, तो इसीलिए मैं आज आपके सामने आया हूँ। जो आज का मेरा व्लॉग था, वो लोग चौधरीवास गए थे आर के इसके पास, जैसे 20 किलोमीटर पहले भी मैं आपको लेके गया हूँ चौधरीवास। चौधरीवास में पंचमुखी बालाजी मंदिर में गए थे, इस समय मैंने थोड़ा बहुत मोटो व्लॉगिंग भी की थी, और जो मंदिर में भी हमने एंट्री करी थी। तो ये एक तरह से यार मेरा एक एक्सपेरिमेंट भी है कि अभी एक नया मेरा ट्रायल भी कह सकते हो आप इस चीज़ को, कि आज मैं जो जितनी भी फुटेज आपको दिखाऊंगा उसमें वॉइस नहीं रहेगी, उसको मैं वॉइस ओवर करके आपको दिखाऊंगा। और उम्मीद करते हैं यार कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। मेहनत करिए यार इस वीडियो के ऊपर। यार सुबह सुबह ठंड में उठा और मैं ठंड में बाइक राइड करके हिसार से 20 किलोमीटर दूर बाइक पर गया हूँ। यार ठंड बहुत ज़्यादा थी, मतलब कब कभी उठ गई थी यार। तो आज पहली बार ये ऐसा हुआ है कि ये व्लॉग फ्लैशबैक में चलेगा, तो प्लीज़ इस व्लॉग को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलो फिर चलते हैं आज सुबह वही फ्लैशबैक में, और व्लॉग को एंजॉय करो। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नितेश शर्मा व्लॉग्स। तो एक नई दिन के बाद एक नए व्लॉग की शुरुआत हो चुकी है, और आज भी बहुत ज़्यादा ठंडी है यार, इतनी ज़्यादा ठंड है कि व्लॉग करते हुए हाथ कांप रहे हैं। तो आज का व्लॉग कुछ ऐसा होने वाला है कि आज फिर हम लोग बाहर निकलेंगे, और बाहर निकलते हैं थोड़ी सी राइड करते हैं, और राइड करके एक और हिसार में ऐसी जगह है जहाँ पर आपको लेके जाना है, तो सीधा चलते हैं और फिर आपको दिखाते हैं वहाँ पे, और थोड़ा सा राइड का आनंद लो, और जिस जगह पे हम लोग जा रहे हैं आप उस जगह का थोड़ा सा आनंद लो। तो सीधा चलते हैं, पहुँचते हैं और फिर आपसे मिलते हैं। तो बस निकल पड़े हैं हम लोग। ठंड काफ़ी ज़्यादा है यार, काफ़ी ज़्यादा ठंड है यार, और इतनी ज़्यादा ठंड के अंदर और इतने ज़्यादा कोविड की महामारी फैल रही है, और फिर भी यार हम लोग, मैं निकल रहा हूँ यार आपके लिए व्लॉगिंग करने के लिए। अभी 1 बजे हम निकल रहे हैं, और मौसम ऐसा हो रहा है कि सुबह के 7-8 बजे हों, और इतना भयंकर मौसम होने के बावजूद भी ठंड की परवाह न करते हुए फिर भी हम लोग निकल पड़े हैं, ताकि आपको कुछ नया यूनिक अच्छा सा कुछ देखने को मिले। तो इसके लिए यार आपको सिर्फ एक यही करना है यार, कि आप इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें यार, और कमेंट करके ज़रूर बताना मुझे कि आपको ये व्लॉग कैसा लगा, कि ये सब चीज़ें यार मुझे मोटिवेट करती हैं बहुत ज़्यादा। तो प्लीज़ आप सब अच्छे से वॉच करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट ज़रूर करें यार। और ये देखते ही देखते हम लोग चौधरीवास पहुंचने वाले हैं, और रोड पे चल रहे हैं। बस तो कुछ 2-4 कदम की दूरी रह गई है, और जैसे ये पेट्रोल पंप है यार, ये पेट्रोल पंप है, इसके जस्ट राइट साइड में परनाथ पनामी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड ट्रेनिंग आ जाता है। उसके जस्ट साइड में आपको मिलेगा सुमित धारीवाल कॉलेज, और सुमित धारीवाल कॉलेज के जस्ट साइड में ही आपको मिल जाएगा हमारा पंचमुखी बालाजी धाम। दूर से ही आपको इसका जो शीर्ष है वो दिख जाएगा दूर से ही, और जस्ट हम पहुंच चुके हैं रोड से थोड़ा सा लेफ्ट साइड में ही कटते हुए पंचमुखी बालाजी धाम मंदिर आपके सामने ही होगा। बस अब यहाँ पर बाइक पार्किंग में लगाते हैं यार, और उसके बाद मिलते हैं सीधा, अब देखते हैं मंदिर में बजरंगबली महाराज के दर्शन करते हैं, और ये लगा दी मैंने बाइक पार्किंग में।
और ये लड़का आपको यहाँ पर वापस आ गया है बताने कि ये पंचमुखी बालाजी धाम पहुँच चुका है। और पंचमुखी बालाजी धाम पहुँचने के लिए आपको हिसार से राजगढ़ रोड पर 20 किलोमीटर आगे तक चलना है। और चौधरी वार आने से पहले PPMT के जस्ट साइड में, सुमित धारीवाल कॉलेज के जस्ट साइड में आप पहुँच जाओगे पंचमुखी बालाजी धाम। तो बहुत अच्छा मंदिर है, मन को शांति यहाँ पर आके मिल जाती है। और आप जल्दी से जल्दी यहाँ पर विजिट कीजिए। और मेरा तो काम यही है यार, ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान बांटना और सब कुछ बताना। तो चलो आप लोग सिनेमैटिक एंजॉय करो इस मंदिर के, अच्छे से देखो। और आपको 360 व्यू दिखाता हूँ मैं। माफ़ करियो यार सारे, मैं फिर से आ गया यार आपके बीच में। और मैं रास्ता बताना है यार किस तरह यहाँ से आओगे। ये हिसार है यार वहाँ पे, वहाँ से आप 20 किलोमीटर यूँ टुकड़ टुकड़ करते हुए आओगे, सीधा लेफ्ट साइड में आप देखोगे पंचमुखी बालाजी धाम मंदिर में पहुँच जाओगे यार। और आते ही माथा जरूर टेक लियो भाई। तो भाई आप सबका प्यार मुझे वापस आप सबके पास खींच लाया है। तो मेन बात ये हुई थी कि जैसे हमने मंदिर में एंट्री की थी तो मेन जो बड़ा मंदिर है वो इस समय बंद था, क्योंकि हम इसी टाइम आए हैं 1 बजे और मंदिर 4 या 4:15 बजे ओपन होना था। तो उसके मंदिर के साइड में 2 छोटे छोटे बजरंग बली जी के मंदिर और थे, तो हमने सबसे पहले एक छोटे मंदिर में बजरंग बली जी का मत्था टेका। और उसके बाद मैं अगले मंदिर की तरफ बढ़ा तो मुझे सिक्योरिटी गार्ड ने रोक लिया। उन्होंने बोला कि यार मंदिर में व्लॉगिंग अलाउ नहीं है, मंदिर में किसी भी प्रकार का
कैमरा अलाउ नहीं है, तो उनकी बात हम कैसे नहीं मान सकते थे यार। बजरंग बली के महाराज के पास मत्था टेकने आए और उन्हीं के कानून ना माने ऐसा नहीं हो सकता था। तो हमने वहाँ पर व्लॉगिंग ज़्यादा करी नहीं। उन्होंने मुझे बोला कि बाहर से आप सिनेमैटिक ले सकते हो, आप बाहर से ही फ़ोटो वगैरह वीडियोग्राफी कर सकते हो। तो हमने बाहर से सिनेमैटिक काफ़ी सारे लिए। और एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ यार, मारे गले तो पता नहीं बनी के रही है। कल हम ओपी जिंदल पार्क गए थे और वहाँ पे गार्ड ने बाहर निकाल दिया, आप बंद हो रहा है। और आज यहाँ पे आए हैं यार, यहाँ पे भी मंदिर बंद है। तो चलो कोई नहीं यार, इस तरह का तो होता ही रहता है। और ये वॉइस ओवर मैं कर रहा हूँ यार, और आपको सभी को कैसी लगी। और एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ यार, सभी भाई लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। साथ यार ज़्यादा कुछ तो नहीं कहूँगा, बस इतना ही बहुत है आज के लिए। तो मिलते हैं बाद में। कैसा लगा यार मेरा ये व्लॉग आज का, आपको सभी को प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मैं सभी आप सभी भाई लोगों से, सब्सक्राइबरों से, अब मेरे मित्रगण से, सभी से ये विनती करना चाहूँगा कि यार प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। और साथ साथ यार जितने भी मेरे दोस्त हैं, खासकर जो मेरे जिगरी गली वाले सेवा समिति के सदस्यों को एक मैसेज है, और आप सभी सब्सक्राइबरों के लिए भी है यार, कि प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें। ये मेरा मनोबल बढ़ाता है यार, एक एक कमेंट, एक एक लाइक, एक एक शेयर मेरा मनोबल बढ़ाता है, ताकि मुझे एक मोटिवेशन मिलता है यार कि मैं और अच्छे से अच्छे आगे से आगे वीडियो बनाता रहूं। तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना यार, कुछ भी आपको लगता है यार प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना, ही मेरा मनोबल बढ़ाएगा। तो इसी के साथ मिलते हैं किसी नई वीडियो में, और आपके लिए अच्छे अच्छे व्लॉग्स हम लेके आते रहेंगे। तो गुड बाय, टाटा, टेक केयर। So, hey guys.